हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सागर और आप देख रहे हैं क्विक हैक हैकिंग कोर्स। अब हम बात करने वाले हैं कुकी स्निफिंग, या आप कुकी स्टीलिंग भी कह सकते हैं इसको, इसके बारे में कि क्या होता है, कैसे काम करता है, और इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। मैंने अपने चैनल पर इसके बारे में काफी एक्सप्लेन किया हुआ है मेरी पुरानी वीडियोज में, लेकिन इस कोर्स के लेवल के हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ज्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि आप इसी फील्ड में हैं, आप करना चाहते हैं इसको प्रैक्टिकल, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं कि इस अटैक को कैसे इनिशिएट किया जाता है। सबसे पहले कि किसी भी यूजर को, आप जानते हैं जब किसी वेबसाइट पर जाता है, लॉग इन करता है, तो उसका पासवर्ड और यूजर नेम होता है, राइट? और एक बार आप उसको रिमेंबर कर देते हैं, आपने फेसबुक के केस में ही आप ले लीजिए कि आप जब एक बार लॉग इन करते हैं उसके बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के रिमेंबर वाले बटन पे टिक करते हैं, चेकबॉक्स जिसे बोलते हैं, उसके बाद आप जब नेक्स्ट लॉगिन करते हैं तो अपने आप लॉगिन हो जाता है। कैसे? आपके कंप्यूटर में वो जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो सेव होता है कुकी के फॉर्म में, राइट? कुकी के फॉर्म में मतलब एक टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है या एम्बेडेड हो सकती है वो चीज पूरा सेशन। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट बार उस पेज को ओपन करते हैं, अपने आप लॉगिन हो जाता है वो पासवर्ड यूजर नेम यूज होके, आपको बार बार डालना नहीं पड़ता। तो क्या हो अगर वो सेव की हुई चीज किसी के पास किसी के हाथ लग जाए, किसी के पास आ जाए, तो वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है बिना यूजर नेम और पासवर्ड डाले, राइट? तो इसी को कहते हैं कुकी स्निफिंग। आपकी कुकीज को चुरा लेना या वहां से उठा लेना आपके सिस्टम से और अपने सिस्टम में डाल लेना, और फिर उस वेबसाइट को रिफ्रेश करना, और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे उसका अकाउंट खुल जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। क्योंकि लॉगिन होने के लिए क्या चाहिए? यूजर नेम और पासवर्ड, वो आपको आपके पास है कुकी के फॉर्म में। आप लॉगिन कर लेंगे, उसका अकाउंट हैक हो जाएगा। जो मोस्टली ये जो अटैक्स होते हैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर, ये ज्यादातर इसी से होते हैं, कुकी स्टीलिंग से। देखिए, ये हैकिंग में क्या होता है कि कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन उसको आप किस तरीके से करते हो ये मैटर करता है। प्रिंसिपल सेम है, आप कैसे करते हो उसको, कितना दिमाग लगा के अपने हिसाब से उसको कर सकते हो, आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, यही आपको एक बहुत बड़ा हैकर बनाता है। ये बात आपको शायद कोई नहीं बताएगा। तो ऐसे करना है, और इसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इसके साथ ही अटैच करूंगा प्रैक्टिकल, आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ये कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच।